उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर चल रहे आंदोलन से जुड़ी खबर से अनारक्षित सीटों को लेकर एसटी वर्ग से भरे जाने की मांग को लेकर उपजा काकरी डोकरी आंदोलन उपद्रव के बाद शांत हो गया है। प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल जनप्रतिनिधियों की मध्यस्थता से वार्ता हुई थी, उसके बाद माहौल पूरी तरह से शांत है, प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं खैरवाड़ा से लेकर ऋषभदेव तक चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता अभी भी तैनात है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे को खोल दिया गया है। इस आंदोलन में शामिल उपद्रवियों ने कई वाहनों को फूंक डाला, कई दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। पथराव और गोलीबारी में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि करीब दो दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी और दूसरे लोग घायल हुए हैं। प्रशासन के आला अधिकारी अभी भी हालात पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन आंदोलन समाप्त होने के साथ ही उपद्रवी पहाड़ों से उतर चुके हैं। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे चार दिन बाद खोल दिया गया है। खैरवाड़ा, डूंगरपुर, ऋषभदेव और जाड़ोल में अभी भी लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा है। सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं सरकार सीटों से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेगी। इंटरनेट सेवा भी प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में चालू कर दी है तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी बंद कर रखी है। सरकार की ओर से भेजे गए अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, BTP के विधायक और दूसरे लोगों की समझाइश के बाद आंदोलनकारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार की ओर से सहयोग की मांग करते हुए हट गए। हालांकि इस दौरान पिछले चार दिनों में दहशत का माहौल उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बना हुआ था। कई जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं की गई। उपद्रवी कई कस्बों में घुस गए थे, जिसका ज़बरदस्त पब्लिक ने भी विरोध किया था और पब्लिक और उपद्रवियों के बीच में पथराव जैसे हालात भी बार बार बने थे। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी मौके से हट गए हैं। जो सीटें बढ़वाने की मांग को लेकर, सीटों को भरने की बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग भी आंदोलन से उठ गए हैं। ऐसे में अब उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर कहीं पर भी किसी तरह की तोड़फोड़, आगजनी या प्रदर्शन की सूचना नहीं मिल रही है। IG विनीता ठाकुर, SP कैलाश चंद्र बिश्नोई, कलेक्टर चेतन राम देवड़ा समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अभी भी इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही सरकार का भी पूरा फोकस इस आंदोलन से जुड़े हर एक मोमेंट पर था, लेकिन सभी ने आंदोलन खत्म होने के साथ ही राहत की सांस ली है। लेकिन बीते चार दिनों में जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। जिन व्यापारियों की दुकानें लूटी गई है उनको हर्जाना कौन देगा, जिनके वाहन जलाए गए हैं उनकी पूर्ति कौन करेगा, इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।